एन कजराड़े एक रोमांटिक फिल्म है, काला काला चश्मा जी। ये काला काला चश्मा इसलिए है आज कि मुझे खांसी हो रही थी निकलने के टाइम पर, तो मैंने कफ सिरप थोड़ा ले लिया, तो उसमें बहुत नशा होता है ना, तो बार बार मैं झपके ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया कि कभी आप लोग तो नैन कजराड़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नैन किस प्रकार का किरदार है और किस प्रकार का गुदगुदाने वाले हैं दर्शकों को आप? नैन कजराड़े रोमांटिक फिल्म है और इसमें मैं और मनोज टाइगर जी हैं, हम दोनों कॉमेडी करेंगे और मेरे साथ भी हीरोइन है, सो खूबसूरत लड़की ऑफकोर्स मेरे साथ में तो खूबसूरती ही रहती है तो हम गुदगुदाएंगे। और फिर से मैं बता दूं कि एक नया जो हमारा भाभी जी घर पर है सीरियल चल रहा था, वो मैं फिर से कल से शुरू हो गया हूँ, उसमें मेरा वापस ट्रैक शुरू हो गया है, तो आप लोग भाभी जी घर पे हैं भी देखते रहिए। और नैन कजराड़े में ये हमारे राजू बाड़ी जी के साथ पहली बार काम करूँगा, अच्छे डायरेक्टर हैं और कम उम्र के हैं, और जो भी नए लोग होते हैं उनमें आग ज़्यादा होता है, देखते हैं इनके आग से हमारे यूपी बिहार के लोग कितने खुश होते हैं, मतलब है। और मेरे एक दोस्त हैं अपने आशीष, ये इधर आइए जी, ये मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा जी, हाँ ये इस फिल्म में ये हीरो हैं और मैं इनके साथ ही एक्टिंग कर रहा हूँ। आगे उनसे मेरी हीरोइन जो है वो एक तो अभी आई नहीं है, दो तीन हीरोइन हैं मेरे साथ इसमें, एक पर एक आई है जो जिनके मैं घुटने तक ही आता हूँ वो है यहाँ पर ही कहीं पर होंगे, शीतल जी हैं, और दो और हीरोइन हैं मेरे साथ, मतलब सबके मैं घुटने तक ही आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे हीरोइनों को इन्होंने चुना है, तो देखिए फिल्म बन जाए, अच्छी फिल्म बने, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। भाभी जी घर पे है, क्या कुछ नया शेड उसमें आ रहा है? हाँ बिल्कुल, उसमें नया शेड आ रहा है, मैं उसमें क्या ट्विस्ट क्या है, कैसे एंट्री हुई आप? पहले तो भाभी जी घर पे हैं में मैं जो टीका है उसकी शादी के लिए मैं अपनी बेटी लेके आता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो, और शादी के बहाने मैं उनके घर में घुस जाता हूँ और भाभी जी का घर हड़प लेता हूँ, जो भाभी जी अंगूरी भाभी है उनका घर हड़प के उनको ही घर के बाहर कर देता हूँ। तो ये ट्रैक था, ये तो हो गया है, अब जो मैं आ रहा हूँ उसमें कुछ चाइना का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन के मैं आ रहा हूँ। जी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे नैन कजराड़े? नैन कजराड़े को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा अच्छे से। और ये एक रोमांटिक मूवी है थोड़ी, और जिसके डायरेक्टर राजू बरी जी हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और अपने बड़े भैया के साथ भी मैं पहली या दूसरी बार काम कर रहा हूँ, और अभी हम लोग बाबरी मस्जिद में एक साथ ही काम कर रहे थे, वहाँ से आते ही फिर एकदम से राजू जी का फ़ोन आया कि हाँ भाई हमारी मूवी है उसमें आप कर रहे हो लीड रोल, तो सुन के थोड़ी खुशी हुई। और बाकी अभी दो प्रोजेक्ट मेरे और पड़े हुए हैं, एक लुटेरे अभी मेरी अपकमिंग मूवी आ रही है और एक की अभी तैयारी चल रही है। कितने एक्साइटेड हैं नैन कजराड़े को लेके और किस प्रकार का किरदार होगा आपका इसमें? नैन कजराड़े को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा अलग टाइप का किरदार है मेरा, अभी तक तो जो भी था कुछ अलग था, इसमें क्या है कि मैं एक शिवा नाम का लड़का हूँ और हीरोइन हमारी है जो एक काजल नाम है उस हीरोइन का, और उसके पापा जो हैं इसमें रिक्शा चालक हैं, और क्या होता है एकदम से ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है लड़की के पापा का, और फिर उनके इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर इसी चीज़ को लेके मूवी ये चलती है थोड़ी, और बस यही है। बाकी अब आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मूवी, आगे आप लोग खुद बताएंगे पर्दे पे कैसी है। जब इस फिल्म का स्टार्टिंग करा था लिखने के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जब मुझे टाइटल में नैन कजराड़े के बारे में सोचा मैं गया वो करने के लिए रिटर्न करने के लिए, तो मुझे एक ऐसा चीज़ मिला कि किसी लड़की को मैं देखा तो उसकी आंखें बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं देखा कि नैन से काफ़ी चीज़ मिल सकती है मुझे आंखों से, तो मैं उसके बारे में सोचा और उसको देखा, फिर मैं उसी जगह पर मैं टाइटल उसी समय रजिस्टर कराया। मतलब वो लड़की की आंखें हाँ, आपकी प्रेरणा है? हाँ, इस फिल्म में मुझे लड़की की आँखें आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगी, और उसमें मेरा जो
करने का जो उसमें शैली है कि मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा चीज़ उसमें निकले, भोजपुरी से अलग हो और भोजपुरी में जितनी गंदगी है उससे काफ़ी हटके फिल्म आने वाली है नैन कजरारे। इसमें मेरा डायरेक्शन का मेरा काम है जो कि मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ और इसमें मेरे भाई आशुतोष जी हैं और हमारे के जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, निशा जी हैं और हमारे योगेश जी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार भी इसमें काम कर रहे हैं। इस फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस फिल्म से मुझे काफ़ी लोगों तक, हद तक ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और बाकी तो कब तक फ्लोर पे जा रही है ये फिल्म? मई जून तक आपको फ्लोर पे आएगी, मई जून तक फ्लोर पे आ जाएगी ये फिल्म। सर वो लड़की के बारे में बताना चाहेंगे, जिसके बारे में आप बता रहे थे? अब लड़की तो हजारे होती हैं लेकिन उस लड़की को देखा तो उसका नाम तो नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे उस फिल्म में, अब उस लड़की को भी हम दिखाएंगे। पसंद आ गई, मुझे आंखें पसंद आई, इसके लिए हमने उसके ऊपर कहानी लिखना शुरू कर दिया। तो नैन कजरारे के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? नैन कजरारे कैसे कैसे जहन में आया है आपके ये फिल्म बनाने का? लड़की तो ठीक है, आपने उसके लड़की को जब हमने देखा तो हमने बोला कि नैन कजरारे का टाइटल तो मुझे बहुत मस्त लगा और नैन कजरारे का सब कुछ हो गया। फिर बाद में बोला कि नैन कजरारे से सिर्फ आँखों से ही काम नहीं होता है, उसके बाकी कुछ अलग भी चीज़ें हैं कि जो मार्केट में आनी चाहिए और पर्दे पे भी जो दिखनी चाहिए, आँखों से काम नहीं होता है। फिर मैंने गौर किया और फिर उसके ऊपर नैन कजरारे के ऊपर मैंने उसका अंदर की जो अंदरूनी बातें हैं, गीत संगीत कैसा है इस फिल्म में? गीत संगीत बहुत ही आपको अच्छे मिलेंगे इसके अंदर और एकदम बिल्कुल नए ढंग से आपको प्रेस किए जाएंगे उसमें। और गाने के लिए जो भी है, आज से गाने का स्टार्टिंग भी होगा, फिल्म का मुहूर्त भी हुआ है, गाने से स्टार्ट भी होगा आज और नए आज से गाने स्टार्ट होंगे। इसमें सब कोई बच्चे लोग काम करते हैं, सबका माँ बाप खुश रहे, मैं भी खुश हूँ, आप लोग भी खुश हैं। अपने बेटे पे कितना नाज हो रहा है? सबका बेटे पर नाज हो रहा है, जो इसमें काम करे सबको नाज हो रहा है, माँ बाप। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका किरदार किस प्रकार का है इस फिल्म में? मेरा नाम है योगेश पवार, मेरा नैन कजरारे मूवी में किरदार है मंगल सिंह का, जो थोड़ा सा नेगेटिव रोल है। राजू भाई ने मुझे एक्चुअली पहली बार बोला था तो अभी देखेंगे आप आगे। कैसी तैयारी चल रही है आपके किरदार को लेकर? राजू भाई ने क्या बताया है, कहानी कैसी है आपकी? कहानी तो नैन कजरारे एक रोमांटिक मूवी है। आपका किरदार? मेरा नेगेटिव रोल है थोड़ा, जो लड़की से मोहब्बत करता है और लड़की किसी और से प्यार करती है, ऐसा कुछ। क्या करने वाले हो, किसी और से प्यार करेगी तो तुम कैसे देखोगे, क्या करोगे? अभी वो आप खुद मूवी आके देख लीजिए।